सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि लिविंग जो है वो ग्रुप फॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ऑर्गेनिज्म या तो एक सेल से बनता है, जैसे बैक्टीरिया है, जैसे प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा में आप देख लीजिए कुछ प्रोटोजोवास हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, सिंगल सिंगल सेल। या फिर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से बनते हैं, जैसे प्लांट्स है, जैसे ह्यूमंस है, जैसे चिंपांजी है, जैसे मंकी है, जैसे काऊ है। इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है। जो लिविंग है वो सेल्यूलर होंगे, उनके पास एटलीस्ट वन सेल तो होगा। जो सेल ही नहीं है, जिनके पास कोई सेल्यूलर कंटेंट ही नहीं है, इवन सिंगल सेल नहीं है जिनके पास, वो लिविंग नहीं है, वो नॉन लिविंग होंगे। जैसे कि वायरस, इसका यही प्रॉब्लम है, वो दिखाते हैं हर एक रिएक्शंस को लिविंग की तरह, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ लिविंग जैसी है। जब वो किसी होस्ट की बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो वो लिविंग जैसा परफॉर्म करते हैं, पर जब वो आउटसाइड दी होस्ट बॉडी होते हैं तब वो नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। इसलिए आज भी हम वायरसेस को लिविंग की क्लासिफिकेशन में नहीं डाल पाए हैं। मैंने यहाँ आपको ऑर्गेनाइजेशन फिगर में दिखाया कि इस तरीके से सेल्स से टिश्यूज़ बनती है, टिश्यूज़ यूनाइट होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स यूनाइट होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनती है। तो एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में मैंने आपको दिखाया है कि इस तरीके से सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। ये वर्ड ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए वर्ड है। ऑर्गेनिज्म वर्ड ऑर्गेनाइजेशन से ही आया। कॉन्शियसनेस, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ है। कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। कई लोग मूवमेंट जो है, मोटिलिटी, वो भी इंक्लूड करते हैं, लोकोमोशन, चलना या फिरना, कि जो लिविंग है वो चलते रहते, वो फिरते रहते हैं, वो भी फीचर इंक्लूड कई लोग करते हैं। पर उनमें से सबसे ज़्यादा यूनिक जो फीचर है वो है कॉन्शियसनेस। कहते हैं कि ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। कॉन्शियसनेस क्या है? व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पोंड टू एनवायरमेंटल स्टिम्यूली। हर एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से वाकिफ होता है। उसमें जो भी चेंज आते हैं उस चेंज के बारे में वो बिल्कुल ही कॉन्शियस होता है, और जो भी चेंज एनवायरनमेंट में आए उससे वो अडॉप्ट होने की कोशिश करता है, उसके सामने वो रिस्पॉन्स देता है, और उसी को कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या हो सकते हैं वो एनवायरमेंटल स्टिम्यूली? वो लाइट हो सकती है, वाटर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकते हैं, कोई और ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, केमिकल्स, पॉल्यूटेंट, कुछ भी हो सकता है। वो आपको पहली फिगर में दिख रहा है, लाइट है उस तरफ, शूट है जो प्लांट्स के नए फॉर्म हो रहे, लीव से वो मूव कर रहे। आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि प्लांट का जो शूट है वो लाइट के टूवर्ड्स ग्रो होता है। ये रिस्पॉन्स हो गया टूवर्ड्स द लाइट, टूवर्ड्स द एनवायरमेंटल स्टिम्यूली, ये कॉन्शियसनेस हो गई। टच मी नॉट, प्लांट को आप टच करते हैं तो वो, आपको पता है, उसके जो लीव्स होते हैं वो आपस में अपनी जो फेसिंग है वो चेंज कर लेते हैं। अगेन ये है कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स द एनवायरमेंटल स्टिम्यूली, और वो स्टिम्यूली यहाँ पर टच थी। तो बहुत सारे और भी हम फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल स्टिम्यूली के अपोज में या उसके फेवर में हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आप हमारी ही बात कर लीजिए, ह्यूमंस की, एक्सट्रीम कोल्ड में हमें शिवरिंग होती है जो हीट प्रोड्यूस करती है, और जब बहुत ज़्यादा हीट होती है तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है। तो कोल्ड और हीट के लिए हमने जो शिवरिंग या तो फिर हमने जो स्वेटिंग दिखाई, ये दोनों ही चीज़ें रिस्पॉन्स है हमारा टूवर्ड्स दी एनवायरमेंटल स्टिम्यूली, टूवर्ड्स दी हीट एंड दी कोल्ड। तो ये यूनिक फीचर हो गया कॉन्शियसनेस, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही शो कर सकते हैं।
तो हमने समझा कि कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अवेयर रहना, और ये बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, नहीं बचेगा। सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ऑलवेज हमें टच में रहना है, कॉन्टेक्ट में रहना है, हमें उससे अवेयर रहना है, वरना हम अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेस नहीं दे पाएंगे, हम रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, हम हमारी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और कॉन्शियसनेस के लिए एनवायरनमेंट के कुछ स्टिम्यूलिस के अपोज में या फेवर में रिस्पोंड करने के लिए, अवेयरनेस शो करने के लिए नेचर ने हमें कुछ सेंसिटिव ऑर्गन्स दिए हैं। अब देखिए, आइस है, स्किन है, नोज है, टंग है, ये सब हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं। ईयर से हमें आवाज़ का पता चलता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी लाइफ को कोई खतरा तो नहीं, फियर तो नहीं, कोई थ्रेट तो नहीं है। शेर की आवाज़ से जो शीप और काउ से वो भागने लगते हैं, क्योंकि इनको पता है ये हमें प्रिडेट कर लेगा, हम इनका खाना बन जाएंगे। लाइफ को बचाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है ऑलवेज। और नेचर ने इसीलिए देखो डियर को दौड़ने की स्किल दी हुई है, रनिंग बहुत फास्ट है उसकी, विजन दे रखा है, आँखों से वो भाप सकता है कि शेर उसके सामने खड़ा है या कहीं छुपा हुआ है, और वो पहले से ही भागने लगेगा। तो विजन, उससे हमें सराउंडिंग एनवायरनमेंट की भनक लग जाती है, उसकी अवेयरनेस हमें रहती है, कोई भी खाना है वो अच्छा है कि बुरा, वो बिगड़ चुका है कि खाने लायक है, उसका पता हमें टेस्ट से चलता है, इसलिए हमें टंग दे रखी है। स्मेल भी रोल प्ले करती है। टच से हमें ये पता चलता है कि कोई भी चीज़ है वो हमें छू रही है कि नहीं। स्किन से हमें ये भी पता चल जाता है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हीट है या कोल्ड। अगर अनबियरेबल हीट है तो हमें कोई ऐसी प्लेस को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर हम प्रोटेक्ट हो सके, जहाँ पर हम सर्वाइव कर सके। और हीट के सामने बॉडी, हमने आगे ही पढ़ा कि स्वेटिंग शो करती है, ज़्यादा कोल्ड है तो हम शिवरिंग दिखाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ये सब कुछ कॉन्शियसनेस में आएगा, और कॉन्शियसनेस में सबसे सुपीरियर जो होता है उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन ही इकलौते ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस का मीनिंग तो समझ गए, अवेयरनेस जो है सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से, उसको हमने कहा कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कोई एक्ट कर रहे हैं, कुछ भी जो आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कितना सही है और वो कितना गलत, मोरली वो कितना वैलिड है और कितना इनवैलिड है, एथिकली वो कितना वैलिड है कितना इनवैलिड है, ये जो आपको बताता है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है। इसलिए कहते हैं कि इंसान को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। बुरा करने वाले भी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी करते हैं। हर एक इंसान जो गलत रास्ते पे होता है, उन सबको पता होता है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे गलत दोस्त है, मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ गलत है, मैं ड्रिंकिंग कर रहा हूँ गलत है, मुझे ड्रग्स का एडिक्शन है गलत है, और फिर भी वो उस रास्ते पे चल रहे होते हैं। पर पता सबको होता है कि ये चीज़ें गलत है। वो सही और गलत का जो परख है, वो सही और गलत के बीच में डिस्टिंग्विश करने की जो प्रॉपर्टी है, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, और ये सिर्फ ह्यूमंस को मिली है। इसीलिए हिंदुइज्म ये कहता है, हमारा रिलीजियस जो लिटरेचर है वो हमें ये कहता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस है, उसी की वजह से इंसान जो है वो सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है, और जिसको हम मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, जन्म और मृत्यु कहते हैं कि इंसान मरने के बाद और जन्म लेता है, अगर हम रिलीजियस बिलीफ को सही माने तो, जो सोल है वो एक बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में जाती है, वहाँ से तीसरी बॉडी में हम पुनर्जन्म लेते हैं, हमारा रीइनकार्नेशन होता है। और इस साइकिल से बचने के लिए जो प्रोसेस है उसको मोक्ष कहते हैं, निर्वाण। निर्वाण और मोक्ष मिलने के बाद जो सोल है वो दूसरा बर्थ नहीं लेती, वो रेस्ट करती है फिर हेवन के अंदर, ऐसा माना जाता है। इसीलिए ऐसा कहा गया, क्योंकि सही गलत की जो समझ है वो इंसानों को ही होती है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि ढेर सारी स्पीशीज इस दुनिया में मिलती है देखने को, बहुत सारे अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म्स है, पर एक इंसान ही ऐसी स्पीशीज है जो निर्वाण का हक रखती है, जो निर्वाण या मोक्ष तक पहुंच सकती है। हालांकि ये चीज़ को हम स्पिरिचुअल फिलोसॉफी कहते हैं, हम नहीं जानते ये कितना सही और कितना गलत है, पर रिलीजियस बिलीफ और लिटरेचर हमें ये समझाते हैं और ये कहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये एक थोड़ा एक्स्ट्रा जो कंटेंट है वो आपको बता दिया, किस तरीके से कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे रिलीजियस लिटरेचर के साथ जुड़े हुए हैं।